होम क्लासेस पुंडरी में, और हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं से 12वीं तक हर एक कक्षा की हर एक विषय की फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस। साथ ही अब हमने शुरू किया है हिस्ट्री बीए का ग्रेजुएशन का और अकाउंटेंसी ग्रेजुएशन का भी कोर्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए शुरू किया है। तो आज की हमारी इस क्लास में टॉपिक रहेगा सिक्वेंस एंड सीरीज का, 9.3 एक्सरसाइज रहेगी जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के 32 तक हम आज इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, पूरा करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज 9.3। तो टॉपिक है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें एपी हम कर चुके थे, अभी हम कर रहे हैं जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है वो दिया है इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी आर ए एंड बी, फर्स्ट टर्म ए और nth टर्म जो है वो इसकी बी है, और पी यदि प्रोडक्ट है, इफ पी इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, प्रूव दैट पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी होल रेज टू पावर n, ये हमें प्रूव करना है। फर्स्ट टर्म इट मीन्स ए इज इक्वल टू आपको दिया है फर्स्ट टर्म यानी ए वन इज इक्वल टू फर्स्ट है, nth टर्म आपकी बी प्राप्त होती है। और आपको पता है फॉर्मूला क्या है, जब जी में आप जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन आप करते हो तो फर्स्ट टर्म ए, सेकंड ए आर, थर्ड ए आर स्क्वेयर, इस प्रकार से nth टर्म आपकी ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन होती है। इन द सेम वे nth टर्म आपके पास ए एन, इसे आप ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन लिखोगे जो कि होगी बी। तो यहाँ से आप इनको सोल्व कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बाय टू कर सकते हैं या ए की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, आर रेज टू एन माइनस वन आपके पास बी बाय ए ये वैल्यू प्राप्त होगी। तो नेक्स्ट क्या दिया है, इफ पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, तो इसके बारे में करते हैं। P is the product of n terms, यानी A into second term AR, third term AR square, fourth term AR cube, and last term is AR raised to power n minus 1. Because क्योंकि ये nth term का product है, इसलिए last term AN हम लेंगे, AN को AR raised to n minus 1 हम लिख सकते हैं। इन सब में A को इकट्ठा करेंगे, ए वन टाइम, ए टू टाइम, ए थ्री टाइम, ए, तो इस प्रकार से ए की पावर ए को सबको इकट्ठा करेंगे, ए इंटू ए इंटू ए, ये होगा एन टाइम्स आपका ए होगा। और आर को इकट्ठा करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट में है, तो इंटू में यहाँ लेंगे हम, ये होगा आर इंटू आर स्क्वेयर इंटू आर क्यूब अप टू आर रेज टू पावर एन माइनस वन, एन आर की पावर एन माइनस वन तक इनको आर की पावर एक, आर की पावर दो, आर की पावर तीन, इस तरह से लास्ट में आर की पावर एन माइनस वन तक इसको हम रखेंगे। तो जब एन टाइम्स इसको ऐड करेंगे ए की पावर, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, जब बेस सबका एक जैसा होता है तो पावर ऐड हो जाएगी वन प्लस वन प्लस, इस तरह सबको एन टाइम्स जब जोड़ोगे आप तो वो आपका बनता है टोटल एन। वन को जब पांच बार जोड़ेंगे तो पांच होता है, दस बार जोड़ेंगे दस होगा, अगर वन को आप एन बार जोड़ेंगे तो उनका जोड़ एन होगा। अभी यहाँ देखिए आर आपने ले लिया, पावर क्या है इसकी वन, अब जब बेस एक जैसा है पावर ऐड हो जाएंगी वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू एन माइनस वन, ये तो बचेगा आपके पास ए की पावर एन और यहाँ आर की पावर। जब लगातार n टर्म्स है उनका सम आपको निकालना होता है तो उसका सम होता है आपके पास सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन बाय टू, यहाँ आपकी n माइनस वन तक हैं तो एडिशन होगा n माइनस वन इंटू वन ऐड करेंगे, n माइनस वन में वन ऐड किया तो बचेगा n पूरे के डिवाइड में टू, ये वैल्यू आपके पास आएगी p प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स इज दैट। तो हमें रिलेशन ये प्रूव करना है पी स्केयर इज इक्वल टू ए बी होल रेज टू पावर एन, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड्स यू विल गेट पी स्केयर इज इक्वल टू ए रेज टू पावर टू एन,
एंड आर रेस टू पावर स्केयर से टू कटेगा तो बचेगा एन इंटू एन माइनस वन। तो चलिए इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं। पी स्केयर विल बी इक्वल टू ए रेज टू पावर एन, पावर टू एन है ना, तो ए की पावर एन और ए की पावर एन, एन प्लस एन टू एन बन जाएगा। ए की एन को आपने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, खोल दिया इसी को। बाद में क्या बचता है, आर की पावर एन इंटू एन माइनस वन, इसको भी आप अलग अलग कर सकते हैं, आर की पावर एन और आर की पावर एन माइनस वन, आर रेज टू पावर एन और एन माइनस वन, ये आपके पास है। तो इसे किस प्रकार से लिख पाएंगे, देखिए हमें इसको प्रूव करना है ए बी होल रेज टू पावर एन, बी की वैल्यू आपके पास है ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन, इसको यहाँ यूज करेंगे। चलिए इसको यहाँ करते हैं हम, और ए की वैल्यू आपके पास ए के ही बराबर है दोनों में से, पूरे में से ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन पूरे की पावर, देखिए एन यहाँ पर भी है, इन सभी टर्म्स में आपके पास एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, पूरे की पावर एन ये बाहर ले जाएंगे, पावर में ले जाएंगे। तो इन सबको अभी करते हैं इकट्ठा, ए एज इट इज रहेगा और ए आर रेज टू एन माइनस वन ये बराबर बचेगी आपके बी के, तो इसलिए यहाँ पर रख लेंगे हम बी, और पूरे की पावर एन है तो पूरे की पावर एन को यहाँ लिख देंगे पूरे की पावर एन, और ये पी स्केयर इज इक्वल टू ए बी होल रेज टू पावर एन, यहाँ आपका प्रूव हो जाता है, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 था, आई होप समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करना ताकि हम आपकी क्वेरीज को क्लियर कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 24 क्वेश्चन में आपको दिया है सम ऑफ एन टर्म्स एंड सम ऑफ एन प्लस वनथ टू टू एनथ टर्म, रेशो इज वन डिवाइड बाई आर रेज टू एन, ये प्रूव करना है। कोई जीपी आपको दिया है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको दिया है, जिसमें सम ऑफ एन टर्म और सम ऑफ एन प्लस वनथ टू टू एनथ टर्म का जो रेशो है वन अपॉन आर रेज टू एन, ये आपको प्रूव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, हर बार इनमें से कोई ना कोई पेपर में क्वेश्चन अवश्य आता है, इसलिए इन वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर जरूर कीजिएगा, सभी विद्यार्थी इसको अवश्य करें। तो इसके लिए 24th क्वेश्चन हम देखते हैं, सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, लेट ए ए आर ए आर स्क्वायर अप टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन, ये एक सीक्वेंस है अप टू एन टर्म्स का, एक सीक्वेंस है आपका ये एन टर्म्स का, ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर रेज टू एन माइनस वन तक। तो सम ऑफ एन टर्म्स आपके पास क्या होगा, ए इंटू वन माइनस आर रेज टू एन अपॉन वन माइनस आर, और सम ऑफ टर्म्स बिटवीन एन प्लस वनथ टू टू एनथ टर्म, ये क्या होगा, एन प्लस वनथ टर्म से लेकर के और टू एन टर्म के बीच में जो टर्म्स होंगी उनका सम क्या होगा। अब इन दोनों के बीच में भी कितनी टर्म होंगी, इन दोनों के बीच में भी नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही होगी, n प्लस वन से लेकर टू एन के बीच में टर्म होगी आपके पास n ही, और फर्स्ट टर्म यहाँ कौन सी होगी, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म लेते हैं हम, फर्स्ट टर्म यहाँ होगी आपके पास a इंटू आर एज टू पावर, ये टर्म आपके पास होगी a n प्लस वन, इस दौरान के लिए फर्स्ट टर्म आपके पास होगी a n प्लस वन, और ये क्या होगा ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू पावर एन होगा। तो इसको यहाँ यूज करेंगे ए इंटू आर रेज टू पावर फर्स्ट टर्म की जगह पर एन इंटू
वन माइनस आर कॉमन रेशो, यहाँ भी वही रहेगा जो ऊपर था, कॉमन रेशो आर, क्योंकि एन टर्म्स यहाँ होगी तो पावर एन डिवाइड बाय वन माइनस आर। तो इसे आप एस एन है, इसे आप कैपिटल एस लिख दीजिए, टेकिंग द रेशो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू टेकिंग द रेशो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन टू, जैसे आप करते हो एस एन डिवाइड बाय एस, तो ए इंटू वन माइनस आर इज टू एन अपॉन वन माइनस आर होल इज टू डिवाइड बाय ए आर इज टू एन वन माइनस आर इज टू एन अपॉन वन माइनस आर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ भी एन ही रहेगा, इसलिए यहाँ एन आया आपको एन प्लस वन से लेकर के टू एन के बीच में। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर आपस में कट जाएगा, आर प्लस माइनस वन आपस में कटेगा, ए से ए डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। अब पावर जो वन माइनस आर एज टू एन, वन माइनस आर एज टू एन आपस में कट जाएगा, तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, वन अपोन आर एज टू पावर एन, ये दोनों वैल्यू भी आपस में सेम है, ये भी कट जाएंगी, तो बचेगा वन अपोन आर एज टू पावर एन, जो कि हमें प्रूव करना था, विच वी वॉन्ट टू प्रूव, हैंस प्रूव, ये आपका प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव, दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये था 24th क्वेश्चन, 25th देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और केवल हमने फॉलो करना है पैटर्न को, तरीके को फॉलो करना है और सभी क्वेश्चन आराम से आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 जो कहता है, इफ ए बी सी डी आर ई इन जी पी, इफ ए बी सी डी आर इन जी पी, इट मीन्स क्या आएगा, अगर इफ आर इज कॉमन रेशो देन, देखिए दो तरीके इसको करने के, आप कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं, आप यहाँ से सेकंड टर्म बी क्या होगी, ए इंटू आर होगी, थर्ड टर्म सी होगी, ए इंटू आर स्क्वेयर होगी, और फोर्थ टर्म डी जो है ए आर इज टू पावर क्यूब होगी। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, दोनों साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ए आपके पास है, बी और सी और डी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और सॉल्व करके फिर राइट हैंड साइड लेंगे, उसमें ए बी सी डी की वैल्यू पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, दोनों वैल्यू इक्वल सेम आ जाएंगी, हैंस प्रूव। एक तरीका तो आपका ये सीधा इसमें वैल्यू पुट करके, दूसरा क्या है आपके पास,